सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है, धमाकेदार कंपनी, और लगातार ये स्टॉक बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते ही जा रहे हैं। अगर हम कल के दिन की भी बात करें तो एक से लेकर देर परसेंट की तेजी, पिछले 5 दिनों की बात करें तो रफली 2%, अगर हम एक साल की बात करें तो 163% की तेजी, और जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है पिछले 1 से 1.5 साल से बहुत ही कमाल के और बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। साथ से ये मोमेंटम आने वाले टाइम में भी आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू भी रहते आपको देखने को मिल सकता है। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आया, और अगर हम उस न्यूज की बात तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी के लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कंपनी के क्वार्टरली नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की, तो उसके जो इस क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न है लेटेस्ट, वो अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम प्रमोटर की बात करें, क्योंकि भाई कंपनी के मालिक तो वही है और हमारा सबसे पहला फोकस प्रमोटर के ऊपर ही जाना चाहिए, भले वो किसी भी कंपनी क्यों ना हो। तो क्या प्रमोटर ने कोई चेंजेस किया? तो प्रमोटर ने थोड़ा सा पॉइंट में स्टेक बेचा है, 33.63 से 33.44% पॉइंट सा, चलो ठीक है चल जाएगा। एफएस की बात करें, जो कुछ क्वार्टर से लगातार बाइंग कर रहे थे, 12% से 15 हुआ, 15.5, 17, अभी 17 से भी उन्होंने नियर बाय 4.5% के आसपास स्टेक बाय किया, जो कि एक अच्छे पॉइंट है। डीएस की बात करें, जो कि वो भी लगातार बाइंग कर रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक सेल किया था, बट इस क्वार्टर में अगेन हमें 27% के ऊपर जाते देखने को मिला। और पब्लिक की बात करें, जो पब्लिक एक टाइम पे 30% 40% थे, अब वो पब्लिक धीमे धीमे करके अभी 22% के नीचे भी आ चुका है। तो ये एक अच्छे सिग्नल होता है कि कंपनी अच्छे कर रहे हैं। और जब ये स्टॉक आज टॉप पे है ना, अब कुछ क्वार्टर बाद देखोगे जब ये स्टॉक नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब पब्लिक टॉप पे खरीदेंगे और तब ये लोग निकलते जाएंगे और पब्लिक के स्टेक फिर से आपको 30% के ऊपर भी आपको जाते देखने को मिल जाएगा। और ऐसी चीजें चलती रहती है, तो इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कब किस स्टॉक में बाय करना है, कब किस स्टॉक से निकलना है, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो एनी वे, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि लगातार एफएस डीएस का होल्डिंग ग्रो होता जा रहा है, और दोनों मिला के बहुत ही कमाल के उन्होंने होल्डिंग किया, क्योंकि एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट इस बार के शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर सकते हैं। और ये कंपनी ने और इन स्टॉक ने जो इतने कमाल के परफॉर्मेंस बना के दिए, इतने जो कमाल की ग्रोथ दिखाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी के बिजनेस। अब अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखोगे, यानी कि उसमें अगर कंपनी के सेल्स को भी देखोगे, तो देख सकते हो कि 10 साल में कंपनी की, 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, या साल भर में हो, कंपनी ने हमेशा डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा है। सेम प्रॉफिट को भी देखोगे, वो भी आपको इसी प्रकार से आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा। और इसी के चलते स्टॉक प्राइस ने भी साल भर में 75% से, 3 साल में 30% से, और 1 साल में तो 150% से ग्रो किया, बहुत ही कमाल की ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आपका सेल्स और आपका प्रॉफिट ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली उसके इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। और एक टाइम पे ये जो स्टॉक एक बार गिरा था 2000 के 3000 के नीचे आए थे, 2500 के आसपास एग्जैक्टली देखोगे, शायद से ये लेवल आपको 2600 के आसपास भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद कवर किया था, मैंने बिल्कुल भी रिकमेंडेशन दिया था कि भाई आज बाय करोगे तो आपके यहाँ तक जाने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं। बट मैंने इतना कहा था कि भाई किसी ने अगर 6250 पे बाय किया होगा और उनको 52% लॉस हो रहा है, 50% लॉस, तो आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करोगे तो आज इन तो कल ये आपको आपका पैसा जरूर रिकवर करके दे देगा, यहाँ तक कि आपको आपके लेवल से प्रॉफिट बना के भी दे देगा। आज जिन्होंने सिर्फ होल्ड भी किया हिम्मत जुटा के, टाइम लगा 1-1.5 साल लगा, बट अपने पैसे को वो जरूर रिकवर करके दे दिया। और यहाँ तक ही नहीं, और इतना ही नहीं दोस्तों, कि इस कंपनी ने 5 साल में 15-15 गुना बड़ी कंपनी बन चुका है। क्या यहाँ से भी स्पेस है, मतलब कोई अगर यहाँ पे बाई करेगा तो कि यहाँ से भी कंपनी उनको रिटर्न बना के दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। तो क्योंकि इस चीज, और दोस्तों इसलिए क्योंकि आपको बताया ये कंपनी आपने देखा कि हाल ही में इतने सारे पार्टनरशिप किया, ये 2 दिन की बात कंपनी ने एक कंपनी के कंट्रोल स्टेक बाय किया, जिसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इस मार्च की बात करें, जिसके चलते स्टॉक में एक तेजी भी आया था। और ये इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इसलिए है, जिस कंपनी को डेक्सॉन टेक्नोलॉजी ने बाय किया, वो कंपनी दोस्तों आप बोल सकते हो कि मोबाइल फोन्स में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कंपनी काम काज देखने को मिल जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि डेक्सॉन टेक्नोलॉजी कभी भी अगर इस मोबाइल सेगमेंट से जुड़ा हुआ, फिर डिविजन से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको न्यूज देखने को मिलेगा, तो उसके प्रति डेक्सॉन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो भी चीजें कंपनी काम कर रही है, मतलब जो भी चीजें कंपनी अभी कर रही है, ये कल के दिन की 2 दिन पहले की बात करिए, इस कंपनी को उन्होंने बाय किया, इससे पहले आपने देखा होगा कि कोम्पाल के साथ उन्होंने बहुत बड़े पार्टनरशिप किया, बीवी के ग्रुप के साथ बहुत बड़े पार्टनरशिप किए, और भी बहुत सारी चीजें कंपनी जो करते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि ये शॉर्ट टाइम के लिए करते जा रहे हैं और कंपनी आगे ग्रो ना करे इसलिए करते जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो इसलिए करते जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में भी कंपनी की ग्रोथ इसी प्रकार से रहने वाले है। और आपने हाल ही में देखा होगा कंपनी में मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि आने वाले 3 से 5 साल तक उनको बहुत ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है और वो इजिली 35 से लेकर 40% की ग्रोथ वो आराम से जनरेट कर सकते हैं और उसमें से भी 20 से लेकर 25% की इनकम वो आपको एक्सपोर्ट के जरिए भी जनरेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे चीजों को जोड़ के देखा जाए तो कंपनी के जो बिजनेस है खास करके मोबाइल डिवीजन वाले बहुत ही कमाल की ग्रोथ अभी तक दिखा है और आने वाले 5 से 10 साल तक इनकी ग्रोथ ऐसे ही रहने वाले जो कि हमें सारी चीजें कंपनी के मैनेजमेंट से पता चल रहा है। तो डिफरेंटली कोई अगर ये सोच रहा है कि यहाँ तक सीमित है तो बिल्कुल भी नहीं, आज भी ये 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 2.5 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बनने का पूरा पोटेंशियल लगता है। मतलब अभी तो 1 लाख करोड़ बनना है, फिर 2 लाख 2.5 लाख, तो मतलब यहाँ से भी बोल सकते हो 5-6 गुना स्टॉक आपको इजिली ग्रो करते आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास है डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, वो चाहे तो और भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो, लंबी अवधि में ये कंपनी आपको और भी अच्छे करते देखने को मिल जाएगा। बट किसी के पास है नहीं, अभी स्टॉक टॉप पे, अभी हर किसी को स्टॉक अच्छा लगे क्योंकि स्टॉक टॉप पे है। जब ऐसे गिरावट दिखाता है तो तब बाय करने का राइट टाइम होता है, तब कोई बाय करता नहीं है। जहाँ स्टॉप पे तो हर कोई इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेगा, बट आपको अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। अभी अगर आपको जाना है तो कंपनी के नंबर देखने के बाद थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ दिन बाद आप कंपनी का नंबर आ जाएगा, नंबर अच्छा है तो हो सकता है ये तेजी ऐसे ही कंटिन्यू रहे और उसके बाद 8,000, 9,000, 10,000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है अगर बहुत अच्छे नंबर आया तो। और नंबर अगर खराब आता है और ऊपर से मैनेजमेंट के गाइडेंस भी थोड़ा बहुत खराब आता है तो इतने एक तरफा तेजी के बाद 1500% की तेजी देने के बाद एक अच्छे खासा हेल्दी गिरावट भी दिखा सकता है, जो कि वो गिरावट हमारे लिए अच्छे खासा मौका रहेगा। तो आप चाहो तो कंपनी के नंबर देखने के बाद भी बड़ी सेफली आप अपने डिसीजन आप ले सकते हो। अगला स्टॉक की बात करें तो एफिली इंडिया लिमिटेड, सेम एफिली इंडिया की बात करें तो ये भी एक दमदार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। लेकिन अगर आप इसके कुछ टाइम की परफॉर्मेंस को देखोगे, अगर हम साल भर की बात करें तो 15-16% की तेजी, बट अगर हम 5 साल की बात करें, पूरे 5 साल तो नहीं है, 2019 में इसकी अगस्त में शुरुआत होता है, हार्डली 4.5 साल। जो पुराने इन्वेस्टर है उनके पास तो अच्छे प्रॉफिट है 500-550% के, बट जिन्होंने इस तेजी को देख के बाय किया होगा 2021 जिस टाइम पे 2021 मार्च में इसकी जो प्राइस था 1200 के आसपास, आज भी उनके सेमी प्राइस है। मतलब पिछले 3 साल से स्टॉक ने कोई भी परफॉर्म किया नहीं, एक बहुत बड़े लंबे कंसोलिडेशन है। और इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि एफिली इंडिया कंपनी खराब है, हर एक स्टॉक में इस प्रकार की सिचुएशन आपको हर एक कंपनी में देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्टॉक इस 3 साल से स्टॉक ने जीरो डर मना के दिया, एक मिड कैप स्टॉक और एक अच्छे स्टॉक होने के बाद भी, उसके पीछे का एक डायरेक्ट रीजन है वो कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस। अगर आप कंपनी के सेल्स को भी देखोगे तो ये भी कंपनी के सेल्स पिछले 2 से 3 साल से ग्रो ही नहीं हुआ, आपको 300-350 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। सेल्स तो थोड़ा बहुत ग्रो हुआ बट प्रॉफिट को देखोगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ नजर आएगी नहीं, थोड़ा बहुत ग्रोथ है, मतलब 70 का 80 होगा, 80 का 90 होगा इस प्रकार के, लेकिन उस प्रकार के नहीं जिस प्रकार के बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जो सेल्स कंपनी के जो सेल्स में या जो नंबर में एक बहुत हाईली ग्रोथ नजर नहीं आया, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, ये कंपनी डिजिटल एडवर्टीजमेंट में जो कंपनी काम करते हैं, सो उसी बिजनेस में हमें कुछ टाइम से पिछले 1 से लेकर 2 साल से एक बहुत अच्छे खासा हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि आप इस यहाँ पे देख भी सकते हो कि पिछले 2-3 साल अगर हम बात करें जो कंज्यूमर कंपनी है उन्हें बहुत ही कम उन्होंने स्पेंड किया इस एडवर्टीजमेंट मार्केट में। और उसके पीछे का रीजन है आप देख सकते हो कुछ ईयर, तो उसके पीछे का रीजन है कि जो हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला, सो उसी के चलते ये कंपनी इस डिजिटल एडवर्टीजमेंट में बहुत ही कम हमें खर्च करते देखने को मिला। बट ये डेटा या फिर ये नंबर आने वाले टाइम में देख सकते हो कि जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट है वो अभी जो ये नंबर आने वाले टाइम में ग्रो होने वाला है और कंपनियां डिजिटल एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छे खासे आपको खर्च करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और उसमें से 60% बोल सकते हो बिजनेस आपको डिजिटल एडवर्टीजमेंट वाले कंपनी आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें एफिल इंडिया देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली अभी तक ये कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं पिछले 2-3 सालों में, 2-3 साल इस कंपनी के लिए बहुत खराब गए, बट आने वाले 2024 से लेके मतलब इस साल से लेके इन कंपनी के नंबर में आपको बहुत ही अच्छे खासे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए किसी ने अगर इस तेजी को देख के 2021 में बाय किया भी होगा, कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं, थोड़ा बहुत रिस्की कंपनी जरूर है बट कंपनी बिजनेस वाइज देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। तो अगर आप होल्ड करोगे, किसी ने अगर 1500 के ऊपर भी बाय किया होगा, तो जब ऐसे स्टॉक में तेजी आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100-150 में चलने वाले स्टॉक सिर्फ 1.5 साल में 1500 तक हमें जाते देखने को मिला। तो सेम चीज़ें आज स्टॉक 1000 पे है तो किसी को इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि स्टॉक चल नहीं रहा है, एक दो बार अच्छे नंबर दिखा दें तो यही स्टॉक आपको सीधा 1000 के स्टॉक 3000 पे भी जाते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी अच्छी है, अगर आपके पास ये भी कंपनी तो आप इसमें भी बने रह सकते हो,
डिक्सोन भी अच्छे हैं, बट डिक्सोन आज टॉप पे है। तो अगर आप अभी चाहो तो आप एफिल इंडिया के बारे में विचार कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट इसकी कंपनी तो जरूर है, लेकिन लंबी अवधि में ये भी कंपनी जरूर आपको अच्छे करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अभी इन स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना है, या फिर किसी भी स्टॉक में जाना नहीं है जब तक कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर ना आ जाए। तो अगर आपको एफिल इंडिया में भी कोई भी डिसीजन लेने हो, एवरेज हो या फ्रेश बाइंग हो या कुछ भी हो, तो नंबर को आ जाने दो, नंबर को देख लो। ये मानना है कि कंपनी के इस क्वार्टर फोर के नंबर थोड़ा बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, शायद से जो इतने दिनों से कंसोलिडेशन में बना हुआ है, तो एक अच्छे खासे रिकवरी भी स्टॉक में आ सकता है। तो इसलिए नंबर तक देख लो, अगर आपको नंबर अच्छे लगता है तब आप चाहो तो इसमें जरूर अपना एंट्री लेने के बारे में विचार कर सकते हो।